इसका जवाब, इसका जवाब चीफ जस्टिस साहब ने खुद दिया है। उन्होंने कहा कि जजेस के पास मॉरल अथॉरिटी होती है, हमारे पास डर नहीं होता है, डंडा और छड़ी औरों के पास मौजूद है, इसलिए हमारी मॉरल अथॉरिटी जो है होती है, जिसे अवाम तस्लीम करती है, दुनिया भी तस्लीम करती है। आइन आइन पर अमलदारी करते हैं, हम किसी के जवाब दे रहे हैं, इसका जवाब खुद दे दिया है। इसे हकों को होश के ना लेना चाहिए कि खुदा इसे जमीन है, आइन बनाइएगा। चौधरी साहब, मेरा एक उधर आए इजाफा इनके कर, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। कोई रिसोर्स वसाइल नहीं देंगे इसकी खातिर, ये कहेंगे वो होंगे इलेक्शन तो 8 अक्टूबर को होंगे, वो 8 अक्टूबर को भी निकल आएंगे। सुप्रीम कोर्ट चाहिए, ये अगर अमली इकदाम नहीं लेते इलेक्शंस की तरफ, और ये इस तरह की बोतान अंग्रेजी करते हैं, और इसने उन्होंने बहुत सारी की है, पहले वो जो जलसा किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर, और मरियम बीबी ने भी और मौलाना फजलुर रहमान ने भी हरदा सराई की, इनको चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर, एक ये कह दें ये इन्होंने तौहीन अदालत की है। इनकी जो जवाब है और इनकी जो पिटिशन है और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बजाते खुद तौहीन अदालत है, उसका नोटिस दें। अगर ये पेश नहीं होते कि हम इस बेंच को रेकग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें, दूसरा फैसला दें कि एक तौहीन अदालत कर दें कि बायस ये डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर दे सकेगा, वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार वहाँ आके उसका पहरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और इनको पता लग जाए सबको डिस्क्वालीफाई करें सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूशन कराने की जरूरत है, ये खुद जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं देने करने देंगे कागज। तीसरी बात, इनको कॉस्ट डालें, 5-5 करोड़ का जुर्माना करें। आखिर मैंने फीस ली है चौधरी साहब ने। चौधरी साहब, आपने बतौर दरख्वास्त गुजार, मैं 100 रुपया नहीं, सेल्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना चाहिए, और उसमें आप में आगे कहेंगे अब बाकी का बात। साहब, एक छोटा सा सवाल है, आपने बतौर गुजार ने जज को अप्रोच करने की कोशिश की और 1 लाख रुपया उस पर जुर्माना हो गया, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं जब कि आप असली की बात कर रहे हैं? मैं एक काउंसिल भी हूँ और मैंने 50 साल जो उससे ज़्यादा जो वकालत की है, और हाई कोर्ट की वकालत 50 साल से, हर रोज वकला 9 बजे से उस वक्त 8 बजे होता था, 8 बजे से पहले या 1:30 बजे के बाद खड़े होते हैं जिन्होंने अपनी पिटिशन लगवा, और चीफ जस्टिस के दफ्तर के बाहर खड़े होते और वो एक एक करके बुलाया जाता है, और वो जस्टिस फैसला करता है कि हियरिंग सेम डे लगाना है कि नेक्स्ट लगाना है, इसमें तो कोई बात नहीं, आंसर ही नहीं है। को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर्स को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर, एक ये कह दें ये इन्होंने तौहीन अदालत की है। इनकी जो जवाब है और इनकी जो पिटिशन है और इन
उनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बजाते खुद तौहीन अदालत है, उसका नोटिस दें। अगर ये पेश नहीं होते कि हम इस बेंच को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें। दूसरा फैसला दें कि एक तौहीन अदालत कर दें कि बायस ये डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर दे सकेगा। वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार वहाँ आके उसका पहरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और इनको पता लग जाए सबको डिस्क्वालीफाई करे सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूशन कराने की जरूरत है, ये खुद जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं देने करने देंगे कागज। तीसरी बात, इनको कॉस्ट डालें, 5-5 करोड़ का जुर्माना करें। आखिर मैंने फीस ली है चौधरी साहब ने। चौधरी साहब आपने बतौर दरख्वास्त गुजार, मैं 100 रुपया नहीं, सेल्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना चाहिए और उसमें आप में आगे कहेंगे बाकी का बात। साहब एक छोटा सा सवाल है, आपने बतौर गुजार ने जज को अप्रोच करने की कोशिश की और 1,00,000 रुपया उस पर जुर्माना हो गया, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं जब की आप असूली की बात कर रहे हैं? मैं एक काउंसिल भी हूँ और मैंने 50 साल जो उससे ज्यादा जो वकालत की है और हाई कोर्ट की वकालत 50 साल से, हर रोज वकला 9 बजे से उस वक्त 8 बजे होता था, 8 बजे से पहले या 1:30 बजे के बाद खड़े होते हैं जिन्होंने अपनी पिटीशन लगवा और चीफ जस्टिस के दफ्तर के बाहर खड़े होते और वो एक करके बुलाया जाता है और वो जस्टिस ऐसा करता है कि सेम डे लगाना है कि नेक्स्ट लगाना है, इसमें तो कोई बात नहीं, आंसर ही नहीं है। को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर, एक ये कह दें ये इन्होंने तौहीन अदालत की है, इनकी जो जवाब है और इनकी जो पिटीशंस है और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बजाते खुद तौहीन अदालत है, उसका नोटिस दें। अगर ये पेश नहीं होते कि हम इस बेंच को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें। दूसरा फैसला दें कि एक तौहीन अदालत कर दें कि बायस ये डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर दे सकेगा। वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार वहाँ आके उसका पहरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और इनको पता लग जाए सबको डिस्क्वालीफाई करे सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूशन कराने की जरूरत है, ये खुद जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं देने करने देंगे कागज। तीसरी बात, इनको कॉस्ट डालें, 5-5 करोड़ का जुर्माना करें। आखिर मैंने फीस ली है चौधरी साहब ने। चौधरी साहब आपने बतौर दरख्वास्त गुजार, मैं 100 रुपया नहीं, सेल्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना चाहिए और उसमें आप में आगे कहेंगे बाकी का बात। साहब एक छोटा सा सवाल है, आपने बतौर गुजार ने जज को अप्रोच करने की कोशिश की और 1,00,000 रुपया उस पर जुर्माना हो गया, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं जब की आप असूली की बात कर रहे हैं? मैं एक काउंसिल भी हूँ और मैंने 50 साल जो उससे ज़्यादा जो वकालत की है और हाई कोर्ट की वकालत 50 साल से, हर रोज वकला 9 बजे से उस वक्त 8 बजे होता था, 8 बजे से पहले या 1:30 बजे के बाद खड़े होते हैं जिन्होंने अपनी पिटीशन लगवा और चीफ जस्टिस के दफ्तर के बाहर खड़े होते और वो एक करके बुलाया जाता है और वो जस्टिस ऐसा करता है कि सेम डे लगाना है कि नेक्स्ट
टैक्स लगाना, इसमें तो कोई बात नहीं, आंसर ही नहीं है। को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर, एक ये कह दें ये इन्होंने तौहीन अदालत की है। इनकी जो जवाब है और इनकी जो पिटिशंस है और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बजाते खुद तौहीन अदालत है, उसका नोटिस दें। अगर ये पेश नहीं होते कि हम इस बेंच को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें। दूसरा फैसला दें कि एक तौहीन अदालत कर दें कि बायस ये डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर दे सकेगा, वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार वहाँ आके उसका पहरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और इनको पता लग जाए सबको डिस्क्वालीफाई करें सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूशन कराने की जरूरत नहीं, ये खुद जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं देने करने देंगे कागज। तीसरी बात, इनको कॉस्ट डालें, 5-5 करोड़ का जुर्माना करें। आखिर मैंने फीस ली है जावेद साहब ने। चौधरी साहब आपने बतौर दरख्वास्त गुजार, मैं 100 रुपया नहीं, सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर करना चाहिए और उसमें आप में आगे कहेंगे बाकी का बात। साहब एक छोटा सवाल है, आपने बतौर गुजार ने जज को प्रूव करने की कोशिश की और 1,00,000 रुपया उस पर जुर्माना हो गया, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? जब आप मैं एक काउंसिल भी हूँ और मैंने 50 साल जो उससे ज़्यादा जो वकालत की है और हाई कोर्ट की वकालत 50 साल से, हर रोज वकला 9 बजे से उस वक्त 8 बजे होता था, 8 बजे से पहले या 1:30 बजे के बाद खड़े होते हैं जिन्होंने अपनी पिटिशन लगवा और चीफ जस्टिस के दफ्तर के बाहर खड़े होते और वो एक करके बुलाया जाता है और वो जस्टिस करता है सेम डे लगाना है कि नेक्स्ट लगाना है, इसमें तो कोई बात नहीं, आंसर ही नहीं है। को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर, एक ये कह दें ये इन्होंने तौहीन अदालत की है। इनकी जो जवाब है और इनकी जो पिटिशंस है और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बजाते खुद तौहीन अदालत है, उसका नोटिस दें। अगर ये पेश नहीं होते कि हम इस बेंच को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें। दूसरा फैसला दें कि एक तौहीन अदालत कर दें कि बायस ये डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर दे सकेगा, वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार वहाँ आके उसका पहरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और इनको पता लग जाए सबको डिस्क्वालीफाई करें सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूशन कराने की जरूरत नहीं, ये खुद जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं देने करने देंगे कागज। तीसरी बात, इनको कॉस्ट डालें, 5-5 करोड़ का जुर्माना करें। आखिर मैंने फीस ली है जावेद साहब ने। चौधरी साहब आपने बतौर दरख्वास्त गुजार, मैं 100 रुपया नहीं, सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर करना चाहिए और उसमें आप में आगे कहेंगे बाकी का बात। साहब एक छोटा सवाल है, आपने बतौर गुजार ने जज को प्रूव
करने की कोशिश की और एक लाख रुपया उस पर जुर्माना हो गया, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं जबकि आप असूली की बात कर रहे हैं? मैं एक काफिल भी हूँ और मैंने 50 साल जो उससे ज्यादा जो वकालत की है और हाई कोर्ट की वकालत 50 साल से, हर रोज वकला 9 बजे से उस वक्त 8 बजे होता था, 8 बजे से पहले या 1:30 बजे के बाद खड़े होते हैं जिन्होंने अपनी पिटीशन लगवा और चीफ जस्टिस के दफ्तर के बाहर खड़े होते और वो एक करके बुलाया जाता है और वो जस्टिस करता है सेम डे लगाना है कि नेक्स्ट लगाना है, इसमें तो कोई बात नहीं, आंसर ही नहीं है। चाहिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर, एक ये कह दें ये इन्होंने तौहीन अदालत की है, इनकी जो जवाब है और इनकी जो पिटिशंस है और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बजाते खुद तौहीन अदालत है, उसका नोटिस दें। अगर ये पेश नहीं होते कि हम इस बेंच को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें, दूसरा फैसला दें कि एक तौहीन अदालत कर दें कि बायस ये डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर दे सकेगा, वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार वहाँ आके उसका पहरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और इनको पता लग जाए सबको डिस्क्वालीफाई करें सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूशन कराने की जरूरत नहीं, ये खुद जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं देने करने देंगे कागज। तीसरी बात, इनको कॉस्ट डालें, 5-5 करोड़ का जुर्माना करें। आखिर मैंने फीस ली है जावेद साहब चौधरी साहब, आपने बतौर दरख्वास्त गुजार, मैं 100 रुपया नहीं, सेल्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना चाहिए और उसमें आप में आगे कहेंगे बाकी का बात। साहब एक छोटा सवाल है, आपने बतौर गुजार ने जज को प्रूव करने की कोशिश की और 1 लाख रुपया उस पर जुर्माना हो गया, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं जबकि आप असूली की बात कर रहे हैं? मैं एक काफिल भी हूँ और मैंने 50 साल जो उससे ज़्यादा जो वकालत की है और हाई कोर्ट की वकालत 50 साल से, हर रोज वकला 9 बजे से उस वक्त 8 बजे होता था, 8 बजे से पहले या 1:30 बजे के बाद खड़े होते हैं जिन्होंने अपनी पिटीशन लगवा और चीफ जस्टिस के